बहादुरगढ़ नगर परिषद के 244 कर्मचारी पिछले 3 दिन से नगर परिषद के गेट के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। आज भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। दरअसल कर्मचारी नगर परिषद में आउटसोर्सिंग के तहत रखे गए 35 कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने ठेकेदार पर ESI और PF नहीं जमा कराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर दिसंबर माह का वेतन काटने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि राजनीतिक शरण के चलते कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है, लेकिन अधिकारी ठेकेदार पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे वो बेहद परेशान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैलरी की। काम किस लिए करेंगे सर, जब सैलरी नहीं मिल रही है? हमें अपना घर भी चलाना होता है और इस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है। कितने दिनों से नहीं मिली? हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्या कहते हैं अधिकारी? आप लोग तो फाइल जलाने वाले। अधिकारी हमारे साथ में नहीं, उनकी एक ही वर्डिंग होती है कि आप साथी वाले हैं कौन, इनको हम कभी भी बाहर कर सकते हैं। कम से कम वो हाथ अच्छा रखें अपना। उनको तो वे टॉकिंग भी नहीं पता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे ठेकेदार हैं वो पूरे जज्जर जिले के ठेकेदार हैं, सबकी सैलरी टाइम टू टाइम आती है। एक बहादुरगढ़ की सैलरी क्यों नहीं आ रही है? और कमीशन तभी तो देंगे उस बंदे को हम, जब हमें खुद मिल रहा होगा कुछ। कमीशन मांग रहा है ठेकेदार? कमीशन मांग रहा हूँ हमसे। किस चीज़ का? सैलरी नहीं मिल रही है, वो लगाने का मांग रहा है कि हमने आप लोगों को प्रमोट कर रखा है। आउटसोर्सिंग के 35 कर्मचारियों के साथ साथ बहादुरगढ़ नगर परिषद के 209 सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो सभी समान काम समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय अधिकारी ठेकेदार पर दबाव नहीं बना रहे। उन्होंने नगर परिषद के PO, SDM और DC महोदय तक शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। हड़ताल देखो जी, हमारी दो ही मांग है। एक तो जो 35 कर्मचारी है उनको सैलरी दी जाए, सबके खाते में डाली जाए, और जो पेरोल के जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी उनका समान काम समान वेतन जो बकाया रियल है वो दिया जाए। हम अभी हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन अधिकारी इस बात पर गौर नहीं कर रहे। इसलिए हम पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं लगे नौकरी पर, हम पब्लिक की सेवा करने के लिए नौकरी लगे हैं और सेवा करना चाहते हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी सेवा हमारे को परेशान कर रखा है, हमारे को सेवा करने से मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग ये है, हमारी दोनों मांग पूरी हो जाएगी। हम ही मिल रही है, सबकी तनख्वाह मिल रही है, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। उसके बावजूद DMC साहब को भी दोबारा कहा गया, DC साहब को भी कहा गया, लेकिन मतलब जो है ना तनख्वाह मिल रही और ना ESI वगैरह, मतलब जो है कुछ भी नहीं हो रहा। और ये प्रवीण की माँ 3-4 दिन से बीमार है, उसको ऑपरेशन हो पत्रिका, और वो कार्ड लेने के लिए गया, धमकी देगा वापसी बगाए। बहरहाल कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अब जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नगर परिषद के गेट पर हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।